माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खैर खैरियत से हूँ। अच्छा जी, आज मैं आप लोगों से एक बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही अहम टॉपिक पे बात करने के लिए आई हूँ। पहले तो मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, मैं बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हो चुकी थी। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, मैंने नहीं बनानी वीडियो। फिर मैंने कहा नहीं, क्यों ना मैं इन लोगों की बातों को लेके और मैं फिर से डिसहार्ट होके बैठ जाऊँ एक जगह पे, रोती धोती हुई मैं ये कहूँ कि नहीं। मैंने तो अभी बिल्कुल न्यूज़ से अभी स्टार्ट लिया है और अभी से लोगों की ये बातें, ये लोगों की कन्वर्सेशन और ये अजीबो गरीब सी बातें और वो शुरू हो जाती है, वही डेमोक्रेसी के ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया। लांडमार्क, आई डैम केयर, ओके, आई डैम केयर, मुझे इसकी परवाह नहीं है। जो लोग कहते हैं कि इसके बर्तन कैसे हैं, इसके भाई ये तो चाय बना रही है, कटोरों में चाय बना रही है, सो आप लोगों को क्या तकलीफ़ है? मैं कटोरों में चाय बनाऊं, मैं देचकी में चाय बनाऊं, मैं कपों में चाय बनाऊं, मैं किसी में भी बनाऊं, आप लोग कौन हो, आप लोग कौन होते हो इस बात को करने वाले कि मैं जिस मर्ज़ी में चाय बनाऊं? आप लोग हो कौन कि आप लोग आके और ये कहें कि ये इसमें चाय बना रही है, ये उसमें चाय बना रही है, इसके चूल्हे ऐसे हैं, इसके वो ऐसा है, इसका ये वैसा है, वो वैसा है, हो तो आप लोगों को तकलीफ़ है? अगर आपके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है ना, अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, तो आप ऐसे करें कि आप हाजमूला खाएँ और सो जाएँ, ठीक है ना। अगर आप लोगों को इतनी ज़्यादा मेरी इन चीज़ों से तकलीफ़ हो रही है, तो कान खोल के आप लोग सुन लें ये बात कि जो भी है, जैसा भी है, YouTube पे कहते हैं कि सब कुछ आप लोग सच दिखाएं, तो मैंने सब सच दिखाया, मैं आप लोगों की तरह फेक नहीं हूँ, ठीक है ना। जो है सो है, सो आप लोगों को क्या तकलीफ़ है मेरे बर्तनों से? पहले तो मुझे ये बता दें आप लोग, मुझे आप लोग भी आज बता दें कि आप लोगों को मेरे बर्तनों से तकलीफ़ क्या है। मैं इन लोगों की बकवासों से होगी थी बहुत ज़्यादा परेशान, फिर मैंने सोचा, मैंने कहा क्यों मैं लोगों की बकवासों से क्यों परेशान हूँ? ये लोग जैसे भी हैं, जो बकवास कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, कह रहे हैं, उन्हें करने दो, आप मूव ऑन। कि ये लोग जो कह रहे हैं ना कि ये बर्तन ऐसे हैं तो वो ऐसा है तो वो ऐसा है, तो कहने दो। क्योंकि हमेशा यही होता है कि जो लोग यूट्यूब पर आते हैं ना, या जो लोग सब कुछ अपना व्लॉग सारा कुछ बना रहे होते हैं, तो फिर आपकी फैमिली में ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होना शुरू हो जाती है और उनके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। इस वजह से वो जगह जगह बैठ के फिर यही डिस्कस कर रहे होते हैं, भाई इसके तो बर्तन ऐसे हैं, इसके तो इसके व्लॉग में ये है, तो इसके व्लॉग में तो वो है। सो आप लोगों को कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए मेरे बर्तन, ठीक है। मैं कटोरों में चाय बनाऊँ, मैं भले जिस मर्ज़ी चीज़ में चाय बनाऊँ, आप लोग होते कौन हैं और आके डायरेक्टली मुझे बोले ना कि इस तरह है तो ये है तो वो है, ठीक है। सो आप लोग कोई नहीं होते, आप लोग इस चीज़ को डिस्कस करने वाले भी कोई नहीं होते कि मैं जिस मर्ज़ी में चाय बनाऊँ। मैं आप लोगों को इस चीज़ का राइट नहीं देती कि आप लोग ये चीज़ कहें, ठीक है ना, मेरी लाइफ। और फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत समझाया, उन्होंने कहा ये लोग तो कहते रहेंगे, तुमने बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारनी और तुमने बिल्कुल खड़े रहना है और तुमने अपनी ये व्लॉगिंग बिल्कुल नहीं छोड़नी, बल्कि तुमने बनानी है वीडियोज़। मैं बहुत डिसहर्ट हुई थी पहले, तो पहले मैंने कहा नहीं मैं बिल्कुल छोड़ रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा डिसहर्ट हो चुकी थी ऐसे लोगों की बातों से। एक बार बात सुनी, दूसरी बार सुनी, तीसरी बार, मतलब कि क्या क्या बताना चाह रहे हो तुम? तो फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा नहीं, तुम देखो, तुम अपने व्यूज़ देखो, अभी तुम्हारे वीडियोज़ पर अच्छे अच्छे तुम बहुत ज़्यादा अच्छी प्रोग्रेस कर रही हो, तुम बहुत अच्छा काम करने लग पड़ी हो, तुम आहिस्ता आहिस्ता बहुत आगे भी जाओगी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह तुम्हारे फॉलोअर्स सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, तुम्हें इससे ज़्यादा अच्छे व्यूज़ मिलेंगे। लेकिन तुम अगर अपनी हिम्मत हार गई तो यही लोग, जो लोग बातें बना रहे हैं, जो लोग तुम्हारी हर चीज़ को वो कह रहे हैं कि ये ऐसे है तो वैसे है तो वैसे है तो वैसे है, इन लोगों को तो वैसे बकवास करने की आदत होती है। ये लोग तो करते हैं, ये लोग तो बातें करते हैं। जो लोग यूट्यूब पर आते हैं ना, उसकी सबसे पहले उसकी फैमिली उसके अगेंस्ट हो जाती है कि भाई ये बंदा, इस बंदे को फेम मिलना शुरू हो जाएगी तो फिर क्या होगा, फिर ये चीज़ों को पकड़ना शुरू कर देते हैं, जी फलाने की तो ये चीज़ ऐसी है, तो फलाने की तो वो चीज़ ऐसी है, तो इसके तो बर्तन ऐसे हैं, तो इसके तो
घर में ये है तो इसके घर में वो है, तो मतलब हर चीज़ में उन्होंने वो फॉल्ट निकालना होता है। सो आप लोग फॉल्ट निकालना है तो निकालें, आप लोगों का तो काम है फॉल्ट निकालना, निकालते हो तो निकालो फॉल्ट, मुझे क्या, अपनी फ्रस्ट्रेशन अगर आप लोग ऐसे ही निकाल सकते हैं तो निकालें, मुझे इतना सा भी फ़र्क नहीं पड़ता। और मैं हमेशा कटोरों में ही चाय बनाऊंगी। अब आप लोगों ने कहा ना ये कटोरों में चाय बनाती है, तो अब मैं हमेशा आपको कटोरों में ही चाय बना के दिखाऊंगी। जो जल रहे हैं ना मैं उनको और जलाऊंगी, मैं कटोरों में ही चाय बनाऊंगी। सो हेटर्स, आप लोगों को ये मुँह तोड़ जवाब है। उम्मीद करती हूँ कि अब आप लोगों ने अपने कानों में से मैल जो है ना निकाल के अपनी, फिर अपने कान अच्छे से खोल के ना ये मेरा मैसेज सुन लें आप लोग। मैं बिल्कुल भी आप लोगों की इन चीज़ों से डीमोटिवेट होने वाली नहीं हूँ, ठीक है। आई समझ, मैं बनाऊँगी व्लॉग और मैं कटोरों में चाय बनाती हूँ, जिसमें भी मैं बनाती रहूँगी, आप लोगों को इस चीज़ से तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। सो बाकी मेरी YouTube फैमिली, जो लोग मुझे देखते हैं, जो लोग मुझे लाइक करते हैं, जो लोग मुझे अच्छे से कॉमेंट करते हैं, उन लोगों का बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। और मैं आप लोगों के लिए ज़रूर अच्छे अच्छे व्लॉग बनाती रहूँगी। मुझे देखें, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और मेरा साथ दें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।